हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफसी रिक्रूटमेंट में इंडियन एग्रीकल्चर का ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, क्या है ड्रिप इरिगेशन? अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको इरिगेशन के बारे में पहले थोड़ा बताया था कि सरफेस इरिगेशन क्या होता है, सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक जिसको हम एक प्रेशराइज्ड या फिर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यहां पर आपको कैटेगरीज मिलेगा, कैटेगरीज में एग्रीकल्चर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको फ्री सब्जेक्ट वाइज क्विजेस में जाके एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट के क्विजेस यहां पर अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ आपको और क्या करना है, यहां पर एक स्टोर मिलेगा, स्टोर के अंदर जाके आप बीएसएफसी के कोई भी जो बैचेस हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। पुराने 10 जनवरी को जो बैच स्टार्ट हुए थे वो भी अवेलेबल है आप लोगों के डिमांड पे कि सर हम रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेंगे, हमें पुराना बैच अवेलेबल करा दीजिए। साथ ही साथ जो नए बैच स्टार्ट होने वाला है 7 फरवरी से, वो बैच भी यहां पर अवेलेबल है। ओके, सो लेट्स गो अहेड गाइस एंड स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीन एग्री, वेलकम टू द सेशन। देखिए, तो अगर मैं एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की बात करूं तो फिर ये यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी आपके एग्जाम्स के लिए बना था, तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बिहार अड्डा 24/7 को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो ये आपके बैचेस हैं, आप देख सकते हो बीएसएफसी के असिस्टेंट मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोलर 2759 का ये बैच दिख रहा है। लेकिन अभी अगर आप एनरोल करते हो ना तो आपको ये बैचेस दोनों ही, आप कोई भी बैच में एनरोल कर सकते हो, 2260 में मिलेगा। ठीक है, और कोड क्या है, Y291A। ठीक है, Y291A कोड यहां पर आपको यूज करना है। गॉट इट। नेक्स्ट, प्रेशराइज्ड और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। प्रेशराइज्ड और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम की अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे, ओके, सो ये यहां पे है क्या, देखो, सो जो इरिगेशन मेथड्स होते हैं उसमें बेसिकली सरफेस और सब सरफेस मेथड इरिगेशन, दो इरिगेशन मेथड्स आते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून अजय, गुड आफ्टरनून ग्रीन एग्री। तो सरफेस के ऊपर जब आप पानी देते हो उसको हम सरफेस इरिगेशन कहते हैं, सरफेस के नीचे जब आप पानी देते हो उसको हम सब सरफेस इरिगेशन कहते हैं। लेकिन एक तीसरा कैटेगरी है या फिर एक तीसरा टाइप है, क्लासिफिकेशन है, जिसको हम कहते हैं प्रेशराइज्ड या मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या कहते हैं, प्रेशराइज्ड या मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें आपके दो इरिगेशन के टाइप आते हैं, एक है आपका ड्रिप इरिगेशन, दूसरा है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करेंगे तो कल हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन पढ़ेंगे, आज हम लोग ड्रिप इरिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हो, ड्रिप, ठीक है, बूंद बूंद करके जो है यहां पर इरिगेट हम करते हैं, क्या करते हैं, जो सिंचाई करते हैं उसको बूंद बूंद करके किया जाता है। सर बीएसएफसी में इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ना होगा क्या क्वालिटी कंट्रोलर के लिए? एक्चुअली वो एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो कहीं पर क्लियर नहीं है कि वो दोनों पढ़ना पड़ेगा या एक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना तो वो इस तरह से लिखा हुआ है कि लग रहा है कि दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, सो यहां पर अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो इसको हम ड्रिप मेथड कहते हैं, मतलब ड्रॉप ड्रॉप होके यहां पर पानी गिरता है जो कि यहां पे इरिगेशन करने में, इरिगेशन में यूज किया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक क्रॉप में आप इस तरह का इरिगेशन नहीं कर सकते। आप अगर बोलोगे सर मैं चावल की खेती में ड्रिप इरिगेशन यूज करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चावल का जो पानी का रिक्वायरमेंट है या फिर उसकी जो जरूरत है ना वो बहुत ज्यादा है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या नहीं कर सकते हैं, यहां पर ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम सरफेस इरिगेशन जिसमें फ्लडिंग किया जाता है वो जनरली करते हैं। ठीक है, तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। सो ड्रिप इरिगेशन मेथड या फिर इसको हम ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जाने जाते हैं। ट्रिकल का मतलब भी वही है कि बूंद बूंद होकर पानी गिरना, उसको हम ट्रिकल कहते हैं। पाइप हल्का सा जब खुला छोड़ देते हैं तो बूंद बूंद होकर पानी गिरता रहता है, हम बोलते हैं वॉटर इज ट्रिकलिंग। ठीक है, या फिर ट्रिकलिंग वॉटर कहते हैं। ओके, ड्रिप इरिगेशन इज डिफाइंड एज द प्रिसाइज स्लो एंड फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वॉटर to the soil in the form of discrete drops. Discrete क्या है? Discrete की अगर बात करूंगा तो discrete is basically अलग अलग, ठीक है ना? एक discrete का मतलब होता है silent, चुपचाप काम करना।
ठीक है। दूसरा डिस्क्रीट का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है। हाँ, वेरी गुड राहुल। मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हम ड्रिप इरिगेशन को अप्लाई करते हैं, जो फ्रूट क्रॉप्स हो गए या वेजिटेबल क्रॉप्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट ड्रॉप्स या फिर कंटिन्यूअस ड्रॉप, मतलब कंटिन्यूअसली निकलते जा रहा है हल्का सा बूंद बूंद होके पानी, या फिर छोटे छोटे स्ट्रीम्स, मतलब कंटिन्यूअसली पानी निकलते जा रहा है, पतले पतले से धारा जैसा बन के बहते जा रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन की अगर बात करेंगे, इसको कहां पर यूज किया जाता है, जनरली जहां पे वाटर स्केयरसिटी हो या फिर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हो, उस केस में ये जो इरिगेशन टेक्निक है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब आप सोचोगे सर कैसे हेल्पफुल होता है, देखो अगर वाटर स्केयरसिटी है, यहां पर हम पानी को बहुत ज्यादा देने की बजाय ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं, तो नो डाउट वाटर की एफिशिएंसी बढ़ती है। हमें पता है कि ड्रिप इरिगेशन की जो इरिगेशन एफिशिएंसी है वो 95% है, कितना है 95%, ठीक है, जो कि हाईएस्ट है, ओके। और वहीं पे अगर आप बात करोगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का, तो होता क्या है, मान लीजिए ये आपका सॉइल का लेयर है, ठीक है, ये आपके प्लांट्स हैं, ये सॉइल लेयर है। अब जब आप पानी क्या करते हो, आप जब बहुत सारा पानी इकट्ठा देते हो, मान लो आप फ्लडिंग कर रहे हो, तो जो सॉइल यहां पर है ना वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और रूट जोन में जाके एब्जॉर्ब होके प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जब आप ड्रिप इरिगेशन करोगे तो आप इसी रूट जोन में ही पानी को अप्लाई करोगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जो सरफेस पे सॉल्ट वगैरह है वो इस पानी में डिजोल्व होके पानी को खराब नहीं करेंगे, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन वाटर स्केयरसिटी और सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। वाटर इज अप्लाइड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप, पानी कहां अप्लाई करते हैं हम, जो ये प्लांट है ना इसके रूट जोन पे हम पानी को अप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं यहां पे रूट जोन एप्लीकेशन, किसे कहते हैं, रूट जोन एप्लीकेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी टेस्ट इज नीडेड फॉर डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। सो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसमें डिजाइनिंग के लिए या ऑपरेशन के लिए हम एक स्टैंडर्ड वाटर क्वालिटी टेस्ट करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि पानी में क्या चीज है क्या चीज नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं पानी में बहुत ज्यादा क्लोरीन वगैरह है जिसकी वजह से ब्लॉकेज वगैरह हो जाएगा, या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। इतना तो क्लियर है सबका, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में समझते हैं। ये यहां पर एक ड्रिप इरिगेशन का लेआउट है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं जरा इसको देखते हैं। देखो यहां पर आपको एक वाटर का सोर्स मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको एक पंप मिलेगा जो पानी को पंप करेगा, ठीक है, और फिर यहां पर आपको एक मेन लाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, मेन लाइन। अब इस मेन लाइन की अगर मैं बात करूं, इसमें आपके पंप कनेक्टेड रहते हैं, ये जो टैंक आप देख पा रहे हो इसको हम कहते हैं केमिकल टैंक्स, इसमें तरह तरह के केमिकल्स मिक्स रहते हैं जिसको हम पानी के साथ मिक्स करके प्लांट्स को डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ फिल्टर्स रहते हैं, जैसे कि ये जो वाटर का सोर्स है ये आप देख पा रहे हो खुला है, मतलब जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं या जो लेक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो खुला होता है तो उसमें तरह तरह की इंप्यूरिटीज या क्या बोलते हैं डेब्रिस वगैरह पड़े हुए रहते हैं, गंदगी रहता है, तो उस गंदगी को फिल्टर करने के लिए हम प्राइमरी फिल्टर्स रखते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में आता है कि यार ये प्राइमरी फिल्टर्स की जरूरत क्या है, क्या ये गंदगी को हटाना जरूरी है? जी हाँ, बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे क्यों ये जरूरी है, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इसको नहीं हटाओगे तो आपके जो ड्रिप लैटरल्स हैं या फिर जो एमिटर्स हैं जिसमें से पानी निकलता है, अभी मैं एमिटर्स के बारे में आपको बताऊंगा, वो ना ब्लॉक हो जाता है, वो क्लॉग हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन मैकेनिकल डैमेज होता है और आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। वेरी गुड आफ्टरनून पूजा, वेलकम टू द सेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के कंट्रोल वाल्व्स मिलते हैं, कंट्रोल वाल्व्स मतलब वही है जो आप टैप को बंद करते हो ओपन करते हो, ठीक है, उनको हम वाल्व्स कहते हैं अंग्रेजी में थोड़ा, ठीक है ना, ओके। सो उनको हम वाल्व्स कहते हैं, तो वो वाल्व्स वगैरह होते हैं जिसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, तरह तरह के प्रेशर रेगुलेटर्स, एयर वैक्यूम रिलीफ, ठीक है, तरह तरह की चीजें लगे हुए रहते हैं ताकि पानी में किसी भी तरह जो वैक्यूम ना बने या फिर प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो, प्रेशर को हम रेगुलेट कर सके, ये सारी चीजें, ठीक है। सर प्लीज डू FCI मैनेजर मेन्स एग्जाम एनालिसिस। एक्चुअली प्रिया, वी कॉन्टेक्टेड द स्टूडेंट्स बट एक्चुअली नंबर ऑफ मैनेजर स्टूडेंट्स वर लेस, ओके, ड्यू टू विच it was a bit difficult to contact. So if you have given the manager exam,
So you can help us in the analysis. Yes, we will do the analysis. What you need to do is contact me on agriculture@adda247.com mail ID, okay, where you can mention your contact number, your experience about the exam. Then obviously we will analyze the exam. Now the problem here is manager students were already very less, okay, and the students that we have are not reachable at the moment, okay. So let's go ahead. Next. सो नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरह के पानी के अलग अलग तरह के ड्रिप इरीगेशन है, ठीक है. हम करते क्या है, इस तरह के ब्लैक कलर के लैटरल्स होते हैं जिसको हम सॉइल के ऊपर रखते हैं और उसमें छोटे छोटे एमिटर्स होते हैं, ठीक है. उन एमिटर्स से जनरली पानी निकलता है. आप अगर देखोगे यहाँ पर सरफेस के नीचे इरीगेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन. क्या कहते हैं? सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन कहते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो पानी है उसको सरफेस के नीचे देने से फायदा क्या होता है, कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो और थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और पानी जो है वो डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचता है, ठीक है. तो ये एक टिपिकल ड्रिप सिस्टम का लेआउट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि फार्मर्स इन सारे चीजों को यूज कर रहा होगा, ठीक है. फार्मर्स हो सकता है सिर्फ सोर्स पंप और मेन सब मेन और लैटरल से ही काम चला रहा हो, ठीक है. चलिए लेट्स गो अहेड. अब बात आते हैं एमिटर्स की. एज यू कैन सी दीज आर व्हाट वी कॉल एमिटर्स, इन्हें हम एमिटर्स कहते हैं. अब इसमें जो पानी है वो बूंद बाय बूंद गिर सकता है या फिर एक छोटी सी धारा बन के भी बह सकती है, ठीक है. द डिस्चार्ज रेट ऑफ एमिटर्स यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 2 to 10 liters per hour, ठीक है. जो डिस्चार्ज रेट है वो कितना होता है, 2 to 10 liters per hour का डिस्चार्ज रेट रहता है. द डिस्चार्ज रेट फॉर पॉइंट सोर्स एमिटर इज लेस देन 8 liters per hour, ठीक है. सो जो एमिटर का डिस्चार्ज रेट रहता है वो 8 liters per hour से कम रहता है सिंगल आउटलेट एमिटर के लिए, और लाइन सोर्स एमिटर के लिए लेस देन 4 liters per hour. तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था, अब से हम टॉपिक वाइज बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प क्लास करेंगे, जहां पर आपके जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है. एमसीक्यूज रट रट के ऐसा आदत पड़ गई है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बारे में आप कोई बात करता ही नहीं है. नेक्स्ट, तो यहां आप देख सकते हो आपके पास तरह तरह के क्रॉप है, मैंगो क्रॉप है, भिंडी क्रॉप है. तो जनरली जो सरफेस ड्रिप इरिगेशन है ना वो इसी तरह के आपके वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट क्रॉप्स में यूज किया जाता है, ओके. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर दूसरा है सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन. जैसे कि मैंने कहा था सरफेस के नीचे, तो आप देख सकते हो ये पोटैटो क्रॉप है और ये रहा आपका पाइपलाइन जो सरफेस के नीचे गया हुआ है, ठीक है. द एप्लीकेशन ऑफ वाटर बिलो द सॉइल सरफेस थ्रू एमिटर्स विथ डिस्चार्ज रेट जनरली इन द रेंज ऑफ 0.6 to 3 liters per hour, ठीक है. सो जो वाटर सोर्स वगैरह है या जो डिस्चार्ज रेट है वो कितना है, 0.6 to 3 liters per hour तक का जनरली रहता है. इसको हम सब सरफेस कहते हैं. पोटैटो के क्रॉप में आपको यहां पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है. अब लास्ट में समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रिप इरिगेशन के बारे में, ठीक है. हाई वाटर यूज एफिशिएंसी जो कि 95% तक रहता है कंपेयर टू लेस सरफेस. सरफेस में 40 to 50% का वाटर यूज एफिशिएंसी जनरली देखने को मिलता है, ठीक है. सुइटेबल टू हाईली परमिएबल एंड लो वाटर होल्डिंग सैंडी एंड डेजर्ट सॉइल. अच्छा, सैंडी और डेजर्ट सॉइल के बारे में एक चीज बताता हूँ. हेलो मुकेश, वेलकम टू द सेशन, ठीक है. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सेशन 15 टू 20 मिनट्स का होने वाला है रोज, और मैं रोज एक छोटा सा टॉपिक को बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा आप लोगों के लिए. तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम पे क्लास आया कीजिए. मंडे और ट्यूसडे 1 बजे और बाकी मंडे टू फ्राइडे तक 2 बजे आपको ये क्लास अटेंड करना है, ठीक है. छोटे छोटे से टॉपिक्स लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ओके. सो सुइटेबल टू हाईली परमिएबल. हाईली परमिएबल मतलब क्या है कि इसका जो परमिट है, मतलब जो सॉइल है जो वाटर को परमिट करता है वो बहुत जल्दी करता है, मतलब सॉइल जो वाटर है वो बहुत जल्दी नीचे चला जाता है. मान लीजिए ये सैंडी सॉइल है, ठीक है. आपने कहा कि सर मैं ना ड्रिप इरीगेशन नहीं करूंगा, मैं फ्लडिंग करूंगा, ठीक है, कर लो. आपने पानी यहां से दिया, जैसे आप पानी देना चालू कर रहे हो आप देख रहे हो कि यार पानी यहां से यहीं तक जा रहा है, आगे तो जा ही नहीं रहा है, मुझे तो यहां तक पहुंचना है, ठीक है. वो पानी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्योंकि ये सैंडी सॉइल है और इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन बहुत हाई है, ठीक है. इसका जो परकोलेशन है, परकोलेशन का मतलब क्या है, सॉइल के नीचे जब पानी नीचे मूव करता है इसको परकोलेशन कहते हैं. जब पानी सॉइल से एंटर करता है इसको इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. जब ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है इसको सीपेज कहते हैं, ठीक है. आप बोलते होगे ना कभी कभी पानी घर के कॉर्नर वॉर्नर से कहीं से घुस रहा है घर के अंदर, दैट इज व्हाट वी कॉल सीपेज, ठीक है. तो होता क्या है,
पानी यहाँ से आपने अप्लाई किया, पानी यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पर पानी जाते जाते ना ये सारा का सारा पानी जल्दी जल्दी नीचे चला गया। ये प्रॉब्लम होता है जिस जब कोई भी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत हाई होता है, जो कि एग्जाम्पल है सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में कभी भी सरफेस इरीगेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रिप इरिगेशन यहां पर करना पड़ेगा, या तो ड्रिप या तो स्प्रिंकलर। दोनों में अगर कंपेयर करोगे ड्रिप इरिगेशन बेटर है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा है। क्योंकि स्प्रिंकलर इरिगेशन पूरे एक बारिश की तरह मिमिक करता है, या पूरा बारिश कराने आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश करता है, तो इस चक्कर में पानी वहां भी गिरता है जहां पर पानी गिरने की जरूरत नहीं होती है। इस मामले में ड्रिप इरिगेशन बाजी मार लेता है और ड्रिप इरिगेशन का इरिगेशन एफिशिएंसी हाईएस्ट होता है। अच्छा, इन सब बातों के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया कि ड्रिप इरिगेशन का जो इजाद है, वाह क्या वर्ड है, ठीक है। सो ड्रिप इरिगेशन का जो डेवलपमेंट है, इसका जो इन्वेंशन है ना, ये इजराइल में हुआ था। कहां से आया था ये इजराइल से आया था, ठीक है। तो सुइटेबल टू हाईली परमिएबल और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंडी एंड डेजी डेजर्ट सॉइल, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम भी एक है इसमें, क्योंकि जो आपका पानी है वो सिर्फ सरफेस पे गिरता है यहीं पे, तो जो प्लांट है ना उसका जो रूट है वो डेप्थ में जाने की बजाय इस तरह से सॉइल के आसपास ही रहेगा, सरफेस के आसपास ही रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, ये प्लांट को उखाड़ने में इजी होगा, अगर किसी भी तरह का थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हुआ तो ये प्लांट इजीली उखड़ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है। सर ड्रिप इरिगेशन का डिस्चार्ज रेट मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो पूरा अच्छे से बताया है। डिस्चार्ज रेट ऑफ एमिटर्स 2 to 10 लीटर पर आवर होता है, ठीक है। लेकिन दो एमिटर्स का टाइप होते हैं, एक लाइन सोर्स एमिटर होता है जिसमें लेस देन 4 लीटर पर आवर रहता है, पॉइंट सोर्स एमिटर में लेस देन 8 लीटर पर आवर रहता है। क्लियर है राहुल? ओके, सो ये एक ओवरव्यू था आपका ड्रिप इरिगेशन का, ओके। इसी तरह से और डिटेल में अच्छे से अगर आपको पढ़ना है, आप क्या कर सकते हो, बीएसएफसी का इस बैच में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो बीएसएफसी का ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये क्वालिटी कंट्रोलर है। एनरोल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर adda247.com पे जाना है, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा बीएसएफसी, या फिर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर जो है सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्या कर सकते हो, यहां पर आप बीएसएफसी सर्च कर सकते हो। जैसे या आप बीएसएफसी सर्च करोगे, ये देखो जो ये पुराने बैचेस हैं आपके, ये वाला लाइव प्लस रिकॉर्डेड पुराना बैच है, ये आपके नए बैच है, फरवरी 7 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बोलोगे सर मुझे असिस्टेंट या क्वालिटी कंट्रोलर किसी में भी एनरोल करना है, तो सिंपली टैप कीजिए, यहाँ पर स्टडी प्लान ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बाय नाउ पे जाना है, जनरली इसका प्राइस होता है 2759, अभी आपको 80% ऑफ मिल रहा है और ये बैच आपको 2260 में मिल जाएगा। Y291A कोड अप्लाई करना है, और ये देखिए 2399 यहां दिखा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, और जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन में आप जाओगे वहां पर आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन्स में वाइट कॉइन्स यूज करने के बाद ये 2260 का हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, मिलेंगे हम लोग कल, और कल पढ़ेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। शार्प 2 बजे आइएगा, अगेन फिर से कह रहा हूं 20 से 25 मिनट का क्लास होगा, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 247 एज वेल एज बिहार अड्डा 247। बाय बाय।